कल एक वीडियो अपलोड किया था लाइनस ने, लाइनस फ्रॉम लाइनस टेक टिप, एंड उसमें उसने एएमडी के रेडॉन 6900 XT एंड एनवीडिया के 3090 इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया है। एंड उससे ही हमको ये पता चलता है कि एएमडी का जो ये नया नावी आरडीएनए 2 बेस्ड जीपीयू है ये काफ़ी पावरफुल है। कितना पावरफुल कि ये काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम्स में एंड F1 2020 जैसे गेम्स में 3090 को बीट कर रहा था ऑन 8K रेजोल्यूशन। नाउ देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक इन्फिनिटी कैशे एंड यू नो VRAM स्पीड्स, बहुत सारा बॉटलनेक्स था एएमडी के साइड में। बट अगला जो रूमर है ये अगर तुम देखोगे या इसके बारे में अगर तुमने सुना होगा तो तुम लोग सही में एक्साइटेड हो जाओगे। तुम लोगों को पता है कि एएमडी के जो राइजन सीपीयूज हैं वो चिपलेट आर्किटेक्चर पे बने हैं, यानी कि एक 8 कोर का चिपलेट दूसरा 8 कोर का चिपलेट दोनों को वो इन्फिनिटी कैशे से कनेक्ट करते हैं एंड इससे हमको एक 16 कोर का सीपीयू मिलता है। वहीं पे जब हम बात करते हैं थ्रेडरिवर की तो उसमें इस तरीके के 4 चिपलेट्स होते हैं एंड एपिक में इस तरीके के 8 चिपलेट्स होते हैं। यही कॉन्सेप्ट पे एएमडी का जो अगला नावी 31 बेस्ड एमसीएम यानी मल्टी चिप कॉन्फ़िगरेशन वाला जो जीपीयू है, तो एमसीएम जीपीयू गाइस क्या होता है? एमसीएम जीपीयू एक वो जीपीयू है जिसके अंदर बहुत सारे चिपलेट्स होते हैं एंड इस तरीके के चिपलेट्स को कंबाइन करके एक आईओ चिप के थ्रू एक सिंगल पैकेज के तौर पे उसको दिया जाता है। अब बिकॉज जो सिंगल डाइज है, मोनोलिथिक डाइज जिसको हम बोलते हैं, जो कि अभी तक के हमारे सारे जीपीयूज में हमको देखने को मिलते हैं, उसकी एक लिमिटेशन है कि वो साइज कितना होगा एंड उसके अंदर जो टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो एन इशू। बट कहीं तुम एनवीडिया की बात करो जो हॉपर आर्किटेक्चर में एमसीएम लाने की बात कर रहा है, या अगर हम लोग बात करें इंटेल की तो उनके जो एक्ससी जीपीयूज हैं उसमें भी 4 टाइल्स वाले जीपीयूज को वो लाने की बात कर रहा है। तो केपलर L2 बोल के एक यूज़र हैं जहां पे वो बोल रहे हैं कि 100% तो नहीं है बट नावी 31 में 80 CU का चिपलेट होगा एंड जो टॉप एंड सी जो रहेगा उसके अंदर 2 रहेंगे, यानी कि 160 CUs एंड स्ट्रीम प्रोसेसर्स की अगर बात करें तो 1240 स्ट्रीम प्रोसेसर अगर CU से SP का रेशियो सेम रहा तो। अब जहां तक हम बात करते हैं 6900 XT की, तो 6900 XT के अंदर हमको मिलते हैं 5120, जी हाँ 5120 स्ट्रीम प्रोसेसर्स एंड 5120 स्ट्रीम प्रोसेसर्स होने की वजह से कहीं ना कहीं पे इसका जो टॉप एंड जीपीयू है यानी कि 6900 XT उसके अंदर इतना परफॉर्मेंस आ गया है कि अब वो कहीं ना कहीं पे एनवीडिया के RTX 3090 को कंपीट दे रहा है, स्पेशली रेस्टराइजेशन परफॉर्मेंस में, रेट्रेसिंग की एंड बाकी DLSS जैसी चीज़ों की हम बात नहीं कर रहे हैं। हाउएवर जो नावी 31 है जो कि 5 नैनोमीटर के TSMC के प्रोसेस पर बनने वाला है, दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज 7 नैनोमीटर पर वो ऑलरेडी हैं, तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि 280 CUs के चिपलेट्स रहेंगे एंड इसका जो परफॉर्मेंस होगा दैट इज सपोज टू बी अमेजिंग। स्पेशली अगर हम सिर्फ डबल कर लें तो वी आर सीरियसली लुकिंग एट समथिंग लाइक डबल द परफॉर्मेंस जो हमको अभी 3090 पे या 6900 XT पे मिलता है। इन फ्यूचर नावी 41 के भी आने की रूमर्स हैं बट उसके बारे में हमको इतना आइडिया नहीं है एंड उसके लीक्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। हाउएवर लेट्स सी कि बिकॉज ये जो कहानी है दिस इज वॉज सो इंटरेस्टिंग कि मेरे से रहा नहीं गया एंड हो सकता है जो अगला जनरेशन ऑफ AMD के GPUs हैं उसके अंदर DLSS यानी डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग जैसे AI बेस्ड सुपर रेजोल्यूशन टेक्नोलॉजी भी आए जो तुम्हारे गेम को कम रेजोल्यूशन पर रेंडर करता है बट मशीन लर्निंग एंड AI के प्रोसेसिंग के बाद वो उसको अपस्केल करता है ऑन ए रेजोल्यूशन एंड ए क्वालिटी जो कि जिस रेजोल्यूशन पर तुमको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 4K 8K उस पर भी वो अच्छा लगता है। सो लेट्स सी कि नावी 31 में हमको किस तरीके के GPU मिलते हैं एंड अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो बहुत सारे इस तरीके के पेटेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन आ रखे हैं जो वहाँ पे AMD हो सकता है ये मल्टी चिप आर्किटेक्चर जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जा रहा हो। स्पेशली अगर हम बात करें DLSS के कंपेरेबल टेक्नोलॉजी या रेट्रेसिंग के कंपेरेबल टेक्नोलॉजी के तो वो भी हो सकता है इस RDNA 3 वाले कार्ड्स में हमको देखने को मिले। तो गाइज आई होप यू गाइज हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो, अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक, अगर नहीं तो वीडियो डिसलाइक। फिर मिलते अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद।